Hello students, in this class we are going to learn what are ideal solution and what are non-ideal solution. First is ideal solution. Ideal solution क्या होते हैं? Which follow Rawls law. वे सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं आइडियल सॉल्यूशन होते हैं. ठीक है, देखते हैं कैसे. लेट्स से आपने एक चैम्बर लिया, ओके, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किया और क्या कर लिया, एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया. तो सपोज जो ये है ए और इसमें है बी, मतलब एक सॉल्यूट है और दूसरा सॉल्वेंट है. तो ए को बी में मिक्स करने पर कोई भी एंडो या एक्सोथर्मिक रिएक्शन ना हो, मतलब ना तो ये हीट एब्जॉर्ब करे और ना ही हीट इससे निकले, तो ये सॉल्यूशन क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा. ओके, मतलब ना तो इससे हीट निकले और ना ही ये हीट अब्सॉर्ब करे. डेल्टा एच की जो वैल्यू है मिक्स करने पर वो क्या रहे, जीरो रहे. डेल्टा एच मतलब एनर्जी इंथैल्पी चेंज, इसमें कोई भी इंथैल्पी में चेंज ना हो. ओके, साथ ही इसका जो वॉल्यूम है वो भी क्या रहना चाहिए, जीरो रहना चाहिए. मिक्स करने पर वॉल्यूम किस तरह से जीरो रहना चाहिए, मतलब इसका क्या है कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए. सपोज लेट्स से मैंने यहाँ पे ए जो है 3 लीटर ले लिया, ओके, बी जो है 2 लीटर ले लिया, तो इन दोनों को मिक्स करूंगी, जब मैं ए और बी को जब मैं मिक्स करूंगी तो जो इसका टोटल सॉल्यूशन है वो 3+2 5 लीटर आना चाहिए. 5 लीटर से ना ज्यादा और ना 5 लीटर से कम. सो डेल्टा वी यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन वॉल्यूम, कि वॉल्यूम में मिक्स करने पर कितना चेंज आ रहा है, वो क्या रहना चाहिए, जीरो रहना चाहिए. मिक्स करने के बाद उसमें कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए. ठीक है, तो वो सॉल्यूशन क्या है, आइडियल सॉल्यूशन है. अब देखते हैं कि इसमें इंटरेक्शन किस किस तरह का होता है. सी, जैसे ये ए है तो ए में इंटरेक्शन होगा ए ए, मतलब ये ए खुद के साथ ही जो बॉन्डिंग बना रहा होगा वो होगी ए ए टाइप की. ठीक है, उसी तरह जो ये बी है वो किस तरह का बना रहा होगा, बी बी. वो किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा होगा, बी अपने जो ये बी मॉलिक्यूल है ये अपने एटम्स के साथ बाइंड होगा ना, है ना, उसके साथ ही इंटरेक्शन करेगा ना. तो ए ए और बी बी, मतलब सॉल्यूशन बनाने से पहले जो ए था वो ए ए इंटरेक्शन कर रहा था खुद के साथ ही, और जो ये बी था वो बी बी इंटरेक्शन कर रहा था खुद के साथ ही. ठीक है, सॉल्यूशन बनाने से पहले. अब जब हमने इसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो इसमें ए और बी दोनों के मॉलिक्यूल आ जाएंगे, तो फिर ये क्या करेंगे, ए बी इंटरेक्शन करेंगे, क्योंकि दोनों के मॉलिक्यूल आ गए यहां पर, है ना, तो क्या होगा, ए बी इंटरेक्शन होगा. अब ये यहां पर आ गया ए बी इंटरेक्शन. अब एक चीज देखते हैं कि अगर जितना इंटरेक्शन ए ए में था या जितना बी बी में था, ओके, उतना ही सॉल्यूशन बनने के बाद भी है. ये क्या था, ये सॉल्यूशन बनने से पहले था, ए ए के साथ इंटरेक्ट कर रहा था, बी बी के साथ इंटरेक्ट कर रहा था. जब हमने सॉल्यूशन बना दिया तो यहां पर ए और बी दोनों के मॉलिक्यूल्स आ गए, ठीक है, तो उनके बीच में इंटरेक्शन हुआ ए बी. अब अगर इंटरेक्शन दोनों बनने से पहले, सॉल्यूशन बनने से पहले ए ए और बी बी, और सॉल्यूशन बनने के बाद ए बी दोनों के दोनों इक्वल हैं, देन हम इसको कहते हैं जो सॉल्यूशन है वो आइडियल है. मतलब जितना इंटरेक्शन पहले था उतना ही इंटरेक्शन अब है, जितना पहले था उतना ही इंटरेक्शन अब है. देख सकते हैं, जैसे सॉल्यूशन बनाया हमने, सॉल्यूशन कैसे बनता है आपको पता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट,
ओके, सॉल्यूट हमने मान लिया ए, सॉल्वेंट हमने मान लिया बी। अब ए किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा था सॉल्यूशन बनने से पहले? ए ए के साथ ही, अपने साथ ही इंटरेक्शन करेगा वो। अब सॉल्वेंट किसके साथ करेगा? खुद के साथ ही इंटरेक्शन करेगा, उसके पास कुछ और तो है ही नहीं। बी बी, अब सॉल्यूशन, जब ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिक्स हो गए, इन्होंने मिक्स होके सॉल्यूशन बनाया, तो वहां पर क्या आ गए? ए और बी दोनों के मॉलिक्यूल्स आ गए, है ना। तो क्या हो जाएगा इंटरेक्शन? ए और बी। अब अगर ये ए और बी इंटरेक्शन जो हो रहा है वो इनके इक्वल है, देन सॉल्यूशन हमारा आइडियल होगा। दिस इज आवर आइडियल सॉल्यूशन। अब पीछे आपने ग्राफ भी देखा था, वो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में मैंने आपको ग्राफ समझाया था, कुछ ऐसा ग्राफ था। यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू हमने 1 ली थी, एक्स बी की वैल्यू हमने 0 ली थी। यहाँ पे एक्स बी, एक्स ए की 0 थी और एक्स बी की 1 थी। यहाँ से यहाँ आने पर जो वैल्यू थी वो चेंज हो गई थी, ठीक है। यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर आ रहा था वो पी ए नॉट था, यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर आ रहा था वो पी बी नॉट था, है ना। और जब हमने इनका सॉल्यूशन बनाया था, इनको मिक्स किया था, तो हमने ये कहा था कि जो सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर होगा वो क्या होगा, वो इसके प्रेशर और इसके प्रेशर के इक्वल होगा। मतलब पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। मतलब जो प्रेशर यहां से पड़ रहा होगा, जो प्रेशर यहां से पड़ रहा होगा वो इसका टोटल प्रेशर होगा। यहां पे कौन सा वाला प्रेशर आ रहा होगा? देखिए यहां पे आ रहा होगा पी ए, है ना, पी ए यहां पे प्रेशर डाल रहा होगा, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, पी ए नॉट इंटू एक्स ए। और यहां पे प्रेशर कौन डाल रहा होगा? पी बी, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, पी बी नॉट इंटू एक्स ए। अभी हमने पीछे देखा था कि हम पी ए नॉट एक्स ए क्या होता है, पी बी नॉट एक्स बी क्या होता है, ठीक है। ये ग्राफ साथ में आइडियल सॉल्यूशंस के लिए भी है, दिस इज द प्लॉट ग्राफ फॉर आइडियल सॉल्यूशन। एग्जाम्पल ले सकते हैं एन हेक्सीन एंड एन हेप्टेन। आर इक्वल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। जो एन हेक्सीन और एन हेप्टेन है वो एक तरह से आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स हैं। इसके बाद देखते हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। सी, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच डू नॉट फॉलो रॉल्ट्स लॉ, जो रॉल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते, रॉल्ट्स लॉ विच डू नॉट फॉलो रॉल्ट्स लॉ, दे आर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यह इसमें क्या होता है, जैसे इंथैल्पी चेंज यहां पर जीरो रहता है हमेशा, है ना, इसी तरह नॉन आइडियल सॉल्यूशन में वो जीरो नहीं रहेगा, ठीक है। वॉल्यूम यहां पे क्या रहता है, जीरो रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, उसी तरह यहां पर ये जीरो नहीं रहेगा। यहां पर जो ए ए या बी बी होता है वो क्या होता है, ए बी के इक्वल होता है। यहां पर ये ए बी के इक्वल नहीं आएगा, ए बी के इक्वल नहीं आएगा तो क्या होगा, या तो हाई होगा या लो होगा। अगर हाई होगा, फर्स्ट केस देख लेते हैं क्या होगा इसका। फर्स्ट केस, व्हेन ए ए बी बी इंटरेक्शन इज हाई देन ए बी, ओके,
व्हेन ए एंड बी बी इज ग्रेटर देन ए बी, अगर फर्स्ट केस इसका देखें नॉन फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो ये होगा पॉजिटिव। इसमें एक और चीज आती है पॉजिटिव डेविएशन, ये आएंगी पॉजिटिव डेविएशन, और इसमें वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन दैट इज प्योर कंपोनेंट। इसमें जो वेपर प्रेशर है वो इसके प्योर कंपोनेंट से ज्यादा होगा, ठीक है। ज्यादा किस तरह से होगा, मतलब जो पी टोटल है, पी टोटल इज ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी। कहा ना हमने वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन दैट इज प्योर कंपोनेंट, मतलब तो पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। और अगर ये केस होगा तो इसका मतलब है कि ए ए बी बी इंटरेक्शन इज ग्रेटर देन ए बी, ओके। अब आपको पता है, यहीं पर कॉर्नर में लिख रही हूं, कि जो ये पी ए है, पी ए को हम क्या लिखते हैं, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए, दैट्स मी। और उसमें क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन दैट इज प्योर कंपोनेंट, मतलब पी ए क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, पी ए इज ग्रेटर देन पी ए नॉट इंटू एक्स ए। सेम एज पी बी क्या होगा, इज ग्रेटर पी बी नॉट इंटू एक्स बी, ओके। इसके साथ ही जो इसमें डेल्टा एच इंथैल्पी चेंज हो रहा होगा मिक्स करने पर, वो पॉजिटिव आएगा। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम C2H5OH प्लस वाटर, एल्कोहल प्लस वाटर, ठीक है। इसमें क्या होता है, C2H5OH प्लस वाटर में दोनों के पास, दोनों के दोनों ही हाइड्रोजन बॉन्डेड है। जब C2H5OH अपनी प्योर फॉर्म में होता है तब इसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वाटर वाटर के पास भी हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। बट जब हम एल्कोहल एंड वाटर को मिक्स कर देते हैं, जब हम एल्कोहल एंड वाटर को मिक्स कर देते हैं तब ये इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो कमजोर हो जाती है, क्योंकि इनके हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं और इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होती है एल्कोहल एंड वाटर के बीच में वो बहुत ज्यादा वीक होती है, ठीक है। उस समय कौन सी डेविएशन वर्क करती है, पॉजिटिव डेविएशन, जबकि ये दोनों ही अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। और इस समय जब इन दोनों को मिक्स करते हैं तो इनकी वेपर बनाना बहुत आसान होता है, ये बहुत इजीली एक दूसरे को छोड़ देते हैं, क्योंकि इनके बीच में इंटरेक्शन कम है, लूजली बॉन्डेड है, हाईली बॉन्डेड नहीं है, ठीक है। और जब लूजली बंधे हुए हैं एक दूसरे से, लूजली बंधे हुए हैं, तो उन्हें एक दूसरे से अलग करना बहुत ज्यादा आसान होता है, ठीक है। क्यों, बिकॉज ए ए एंड बी बी इज ग्रेटर देन ए बी, बिकॉज ए ए एंड बी बी इज ग्रेटर देन ए बी, ओके। इसके इसका एक ग्राफ और आता है, ग्राफ भी देखिए कैसे बनाते हैं। अभी हमने जैसे यहां पे ग्राफ बनाया था कुछ उससे ही मिलता जुलता ग्राफ है, एक्स ए की वैल्यू 1 और यहां पर एक्स बी की वैल्यू 1 और एक्स ए की 0, है ना। एक्स बी की यहां 0 थी, यहां एक्स बी की 1 हो गई, एक्स ए की 0 हो गई।
इसके बाद यहाँ पे पार्शियल प्रेशर था पी ए नॉट, और यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर था पी बी नॉट। तो इन्होंने क्या किया था, जो पी टोटल है इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, और जब हमने सॉल्यूशन बनाया तो यहाँ पर यहाँ से जो जब हमने सॉल्यूशन बनाया तो एज यू नो दैट यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू 1 है, यहाँ पे एक्स बी की वैल्यू 1 है, प्रेशर यहाँ पे पी ए पार्शियल प्रेशर ए का पड़ रहा है, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर बी का पड़ रहा है। अब क्योंकि ये जो ग्राफ है वो पॉजिटिव डेविएशन के लिए है तो इसमें थोड़ा सा फर्क नजर आ रहा था। फर्क क्या था कि ये इस तरह से हल्की हल्की डॉटेड लाइंस जो नजर आ रही हैं, ठीक है, मतलब ये जो कर्व वैल्यू है वो इस तरह से आपको बढ़ती भी दिखेगी, जैसे ये ऊपर की तरफ नजर आ रहा है ना अपने एक्चुअल पॉइंट से, यहाँ पे हल्के हल्का डॉटेड नजर आ रहा है, ये अपने एक्चुअल पॉइंट से थोड़ा से जो इसकी वैल्यू है आपको बढ़ती भी दिखेगी फॉर पॉजिटिव डेविएशन। एक बार दोबारा देखते हैं क्या बता रहा है ये। सी ए ए बी बी इंटरेक्शन जब ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ए बी देन पॉजिटिव डेविएशन होगी, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन दैट इज प्योर कंपोनेंट, जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इस प्योर कंपोनेंट, ठीक है। मतलब पी इज ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी, और जब पी ज्यादा होगा तो कंडीशन अप्लाई होगी ए ए और बी बी इज ग्रेटर देन ए बी, ठीक है। एंड एज यू नो पी ए क्या होता है, पी ए नॉट एक्स ए, एंड सेम एज पी बी क्या होता है, पी बी नॉट एक्स बी। तो पी ए ग्रेटर देन पी ए नॉट एक्स ए, क्यों, क्योंकि वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन एज कंपेयर टू इट्स प्योर कंपोनेंट। तो ये क्या होगा, पी ए पी बी क्या होंगे, ज्यादा होंगे, ओके और एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लिया, डेल्टा एच मिक्स करने पर क्या आएगी, वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और सेम एज डेल्टा वी जो है मिक्स करने पर वैल्यू ज्यादा आएगी, पॉजिटिव ज्यादा आएगी, वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो जाएगा, कह सकते हैं इंक्रीज हो जाएगा। अब इंक्रीज क्यों हो जाएगा वॉल्यूम, हमने एग्जांपल लिया C2H5OH अल्कोहल प्लस वाटर, वॉल्यूम कैसे इंक्रीज हो गया, देखिए यहां पर क्या हुआ कि जो ए बी इंटरेक्शन है, ए बी इंटरेक्शन लो है, ठीक है, तो जब बाहर से कोई भी प्रेशर लगाएगा तो ये बहुत जल्दी ब्रेक हो जाएंगे और इजीली स्केप आउट हो जाएंगे। सो इफ ए बी इज लो देन ए ए एंड बी बी, सो इट विल इजीली स्केप, एंड क्योंकि इन दोनों की बॉन्डिंग, ए और बी की बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, इसकी वजह से ये दोनों जल्दी ब्रेक हुए, है ना। और जब जल्दी ब्रेक होंगे तो जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा, वो ज्यादा पास पास नहीं रह रही है, ए बी जो है वो ज्यादा पास पास हाईली बॉन्डेड नहीं है, ज्यादा अच्छे से बॉन्डिंग में नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जैसे अल्कोहल प्लस वाटर है, अल्कोहल आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है, वाटर क्या है, वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है, बट जब हम इन दोनों को एड करते हैं एक साथ तो ये लूजली बॉन्डेड रहते हैं, ये इतने अच्छे से बॉन्ड नहीं बनाते, जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी वेपराइज हो जाएंगे, इजीली स्केप आउट हो जाएंगे, जब इजीली एक दूसरे से अलग होंगे तो वेपर भी तो उतनी जल्दी बनाएंगे, ठीक है, तो ये बहुत जल्दी वेपर भी बनाएंगे, जब वेपर बनाएंगे तो वेपर प्रेशर भी क्रिएट करेंगे, ओके। दिस इज योर फर्स्ट केस फॉर पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नाउ इसके लिए आपने ग्राफ भी देख लिया, है ना। अब इसके बाद देखते हैं, ग्राफ में आपने इसके देखा जो हमने प्लॉट किया कि पॉजिटिव डेविएशन के लिए जो वैल्यू है वो इसकी एक्चुअल पॉइंट से, एक्चुअल पोजिशन से कर्व की थोड़ी सी ऊपर की तरफ दिखाई देती है, ओके। अब हम दूसरा केस देखते हैं फॉर निगेटिव डेविएशन, वैन
ए ए बी बी इज लेसर देन ए बी, तब इस समय केस आएगा निगेटिव डेफिनेशन का। इस समय क्या होगा, जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, अभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा, बट पिछली बार वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हुआ था, इंक्रीज हुआ था वॉल्यूम, इस बार वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीजेस, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। क्यों होगा डिक्रीज, बिकॉज ए बी इज ग्रेटर देन ए ए बी बी। सी अब की बार क्या हो रहा है, पिछली बार क्या था कि वेपर प्रेशर ऑफ, पिछली बार वाली केस में क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन दैट इन इट्स प्योर कंपोनेंट। जो वेपर प्रेशर था सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर था वो इसके प्योर कंपोनेंट के प्रेशर से ज्यादा था। की बार अपोजिट है, अब की बार जो प्योर कंपोनेंट है उनका प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन में डालने से पहले सॉल्यूट का जो इंडिविजुअली प्रेशर आ रहा है और जो सॉल्वेंट का इंडिविजुअली प्रेशर आ रहा है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। ओके देखते हैं, मतलब पी टोटल इज लेसर देन पी ए प्लस पी बी। पी ए क्या मान लिया, सॉल्यूट मान लिया, पी बी क्या मान लिया, सॉल्वेंट मान लिया। एंड एज यू नो पी ए क्या है, पी ए नॉट इंटू एक्स ए, पी ए नॉट क्या होता है, प्योरेस्ट फॉर्म होती है, और इस बार प्योरेस्ट फॉर्म क्या है, ज्यादा है, तो हमने ग्रेटर का साइन लगा दिया। सेम एज पी बी, पी बी जो दूसरा सॉल्वेंट है, ठीक है, पी बी नॉट इंटू एक्स बी, ठीक है। तो पी बी क्या है, बी कंपोनेंट है सॉल्यूशन के साथ, और ये क्या है, इसकी प्योरेस्ट फॉर्म है। अभी हमें बताया कि प्योरेस्ट फॉर्म का जो प्रेशर है वो ज्यादा है, तो क्या हो गया, पी ए इज लेसर देन पी ए नॉट इंटू एक्स ए एंड पी बी इज लेसर देन पी बी नॉट एंड एक्स बी। आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन माई लास्ट क्लास दैट पी ए नॉट एंड पी बी नॉट इज ऑलवेज यूज फॉर प्योर कंपोनेंट या प्योर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट। ओके जो कंपोनेंट का प्योर कंपोनेंट का जो प्रेशर आता है उसके लिए हम यूज करते हैं पी ए नॉट या पी बी नॉट। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये प्योर प्रेशर मिल रहा है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। ओके इस केस में सिचुएशन बनेगी ए ए एंड बी बी इज ग्रेटर देन ए बी इज ग्रेटर देन ए ए एंड बी बी। अब यहां पे क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी, जो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ए बी का, आर स्ट्रॉन्गर देन ए ए एंड बी बी, जिससे क्या होगा, अब इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, फोकस करना, ध्यान से सुनना बात को। यहाँ पे क्या है, ए बी का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा है। अब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ऐसे सोचो एक चीज है वो हाईली बॉन्डेड, अच्छे से बंधी हुई है, ठीक है, अब यहाँ पे उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो उसको अलग करने के लिए भी ज्यादा प्रेशर लगेगा ना, है ना। जब ज्यादा प्रेशर लगेगा तो वो वेपर तो बना ही नहीं पाएगा क्योंकि वो अलग नहीं हो रहा। अब अगर कोई चीज हाईली बॉन्डेड है, तुमने अच्छे से उसको बांध रखा है किसी चीज को कई अच्छे से, तो जब वो अलग ही नहीं हो पाएगी, ठीक है, तो वो वेपर कैसे बनाएगी। सेम चीज यहाँ पर है, ए बी जो है वो हाईली बॉन्डेड है, बहुत अच्छे से बंधा हुआ है एक दूसरे से, जिससे उसकी जो वेपर है या तो बनेगी नहीं या बहुत कम बनेगी, ठीक है। और ऐसे केस में जो एंथैल्पी चेंज होगा डेल्टा एच क्या होगा, वो निगेटिव रहेगा। सेम जो वॉल्यूम है, अब क्योंकि ये जो है दोनों के दोनों ए बी जो है एक दूसरे से बहुत अच्छे से बंधे हुए हैं, तो बहुत अच्छे से बंधे हुए हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा। पहले वे दूर दूर बंधे हुए थे, ना ए बी को पसंद आ रहा था, दोनों एक दूसरे से अच्छे से बंधे हुए नहीं थे, तो वॉल्यूम उनका इंक्रीज हो रहा था, ठीक है, क्योंकि बस ऐसे ही था, अभी इन्होंने एक दूसरे को अच्छे से बांध रखा है एक दूसरे को, तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो रहा होगा, वॉल्यूम
डिक्रीज हो रहा होगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा होगा। ओके एग्जाम्पल में ले सकते हैं हम HCl प्लस H2O या फिर HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस H2O। मतलब दो कंपोनेंट हैं जो कंबाइन होकर क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे होंगे। एंड एज यू नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग, राइट। तो यहां पर हमारी आपने देखा नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है, आइडियल सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। इसके लिए एक और ग्राफ है, इसके लिए भी ग्राफ है फॉर निगेटिव डेविएशन। लेट्स सी, अभी हमने जैसे ये ग्राफ बनाया था कुछ कुछ उससे मिलता हुआ ही है ग्राफ, थोड़ा सा चेंज है, बट ग्राफ बनाना एग्जाम्स में कंपलसरी है। अगर क्वेश्चन आता है आइडियल एंड नॉन आइडियल के बारे में तो आपको ग्राफ बनाना है, अदरवाइज वो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता। सेम जैसे यहाँ किया था, एक्स ए की वैल्यू 1 थी, एक्स बी की 0 थी, ठीक है। यहाँ पर भी एक्स ए की वैल्यू फिर 0 हो गई थी और एक्स बी की 1 हो गई थी। पार्शियल प्रेशर पी ए नॉट, और यहाँ पे क्या था पी बी नॉट। पी टोटल, टोटल प्रेशर क्या था पी ए प्लस पी बी। और जब हमने सॉल्यूशन बना रहे थे तो अब क्योंकि ये निगेटिव है, इसमें क्या था ये पॉजिटिव वाला था तो ये ऊपर की तरफ शो हो रहा था, ये निगेटिव वाला है ये नीचे की तरफ शो हो रहा होगा इसकी ओरिजिनल लाइन से, ठीक है। ये देखो नीचे की तरफ आ गया, सेम ये वाला भी नीचे की तरफ शो होगा, हल्का हल्का डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं। यहां भी ये नीचे की तरफ शो होगा हल्का हल्का सा। ओके नाउ दिस कर्व इज फॉर निगेटिव डेविएशन, और आप देख पा रहे हैं जो पार्शियल प्रेशर है, जो पार्शियल प्रेशर आ रहा है पी ए पी बी, वो क्या है वो अपने पॉइंट से नीचे की तरफ शो हो रहा है, ठीक है। इस वाले ग्राफ में आपको वैल्यू घटती भी दिखेंगी, इस वाले ग्राफ में आपको वैल्यू थोड़ी सी घटती भी नजर आएंगी। नाउ इन दिस क्लास वी डिस्कस आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इन अवर नेक्स्ट क्लास we will discuss azeotropes and some numericals. Thank you.